हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्शन विद निशा। मेरी रेसिपी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके परफेक्ट रेसिपीज घर में बना सकते हैं। सो बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिनी चोकोलावा केक बनाने के लिए आपको लेने हैं ओरियो बिस्किट्स। अगर आपके पास 10-10 रुपीस वाले स्मॉल पैकेट हैं तो आप 3 ले लीजिए, इसमें से भी 12 चोकोलावा केक्स बन जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़ा पैकेट लिया है और एक स्मॉल पैकेट लिया है। इन दोनों को मिलाकर टोटल 18 ओरियो बिस्किट होंगे, जो प्रॉपर क्वांटिटी है फॉर मेकिंग 12 मिनी ओरियो केक्स इन अप्पे पैन। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपको इसके सेंटर की क्रीम को निकाल देना है। हमें सिर्फ ओरियो बिस्किट यूज करने हैं इस केक को बनाने के लिए, तो मैं सारे ओरियो बिस्किट के सेंटर की क्रीम सेपरेट कर दूंगी। मैंने ये लावा केक क्रीम के साथ भी ट्राई किया, पर सबसे बेस्ट रिजल्ट आ रहा है जब आप इसकी क्रीम सेपरेट करें और ये प्रोसीजर फॉलो करें। आप सारी मेजरमेंट प्रॉपर रखें तभी आपका लावा केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और कभी भी बिगड़ेगा नहीं। मैंने सारे ओरियो बिस्किट की सेंटर की क्रीम निकाल दी है। अब इनको क्रश करके आपको ग्राइंडिंग जार में अच्छे से इसका फाइन पाउडर बना लेना है। बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, आपको स्मूथ बैटर बनाना है। अगर इसमें लम्प्स होंगे तो आपका केक प्रॉपर राइज नहीं होगा। यहाँ मैं 1 टीस्पून शुगर पाउडर डाल रही हूँ। शुगर पाउडर इससे ज्यादा नहीं डालें, ज्यादा शुगर डालने से भी केक का टेक्सचर प्रॉपर नहीं आता है और बिस्किट ऑलरेडी मीठे होते हैं। तो इतने ओरियो बिस्किट में आपको 1 टीस्पून शुगर पाउडर डालनी है और 100 ml मिल्क डालना है। तो 100 ml मिल्क एक साथ नहीं डालें, पहले यहाँ पे मैंने 70 ml मिल्क डाला है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको कवर करके हम 5 मिनट साइड में रखेंगे। इतनी देर में आपको अपना अप्पे पैन रेडी कर लेना है। इसके लिए मैंने अप्पे पैन में अच्छे से ऑयल ग्रीस किया है। अब सेंटर में लावा बनाने के लिए यहाँ मैं सबसे इजीएस्ट मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डायरेक्टली आप चॉकलेट के पीसेस सेंटर में डाल सकते हैं। सेकेंड मेथड होती है, हम इस चॉकलेट से पहले लावा बनाते हैं फिर स्मॉल पीसेस बनाते हैं जिसको सेंटर में डालते हैं। वो भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर की हुई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर आपको लास्ट में 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा डालनी है। इन दोनों के ऊपर आपको बचा हुआ जो मिल्क है वो डाल देना है और कुछ सेकेंड छोड़ देना है। जब ये फ्रॉथ बनने लगे इसके बाद आप अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए बैटर 5 मिनट जो आपने रखा था थिक हो जाता है। जैसे ही आप लास्ट में थोड़ा मिल्क डालेंगे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के ऊपर, तो बैटर भी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बन जाएगा और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे। टोटल 100 ml मिल्क यूज हुआ है। मैंने 70-80 ml स्टार्टिंग में डाला था, अब लास्ट में 20 ml डाला है। अब इस अप्पे पैन को आपको पूरा नहीं भरना है, हाफ तक भरना है। इसके बाद चॉकलेट का एक पीस डालना है। सबसे बेस्ट होता है आप डेरी मिल्क सिल्क ले लें, उतना मोटा चॉकलेट डालना है। अगर सेंटर में आप स्मॉल स्मॉल पीसेस डालेंगे तो केक बेक होने के बाद जो स्मॉल पीसेस हैं वो केक में ही मिक्स हो जाते हैं। मैंने एक बड़ा पीस डाला है और कुछ स्मॉल पीस डाले हैं। अगर केक में भी स्मॉल पीस मिक्स होते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है और सेंटर में जो बड़ा पीस है वो चोको लावा का काम करेगा, दैट मीन्स मेल्टेड चॉकलेट। इसका टेस्ट मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। आप इसी रेसिपी को फॉलो करके एक बार घर में जरूर बनाएं, सब बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चॉकलेट डालने के बाद आपको 1/2 स्पून ऊपर से बैटर और डाल देना है, अच्छे से चॉकलेट को कवर कर देना है। इस केक को बेक करने के लिए आपको गैस बिल्कुल ही लोएस्ट करनी है, जितना लो हो सकता है उतना। इसका रीजन ये है, अगर आप हाई फ्लेम होगा या मीडियम फ्लेम होगा तो लावा केक अच्छे से बेक होने की जगह जल जाएंगे। मैंने लोएस्ट फ्लेम पे 4 से 5 मिनट कवर करके इसको बेक किया है। 4 मिनट बाद आप ओपन करके देखें, सेंटर के जो मिनी लावा केक है वो पहले बेक हो जाते हैं। तो जो केक ऊपर से आपको बेक हुए लग रहे हैं उनको पलटा दें और उनको निकाल दें।
अगर आप चोको लावा केक को ओवर बेक करेंगे तो उसके सेंटर की जो चॉकलेट है वो मेल्ट होने के बाद केक में ही मिक्स हो जाएगी और सेंटर में विजिबल नहीं होगी। इसीलिए जो मेरे केक्स बन गए हैं, जो एक साइड बेक हो जाएं, तो सेकेंड साइड पलटने के बाद सिर्फ एक ही मिनट बेक करना है। साइड में कुछ केक अभी भी बेक नहीं हुए हैं तो उनको मैंने नहीं निकाला है, कवर करके एक मिनट और बेक करूंगी। अब इनको भी मैं पलटा दूंगी और सेकेंड साइड से सिर्फ आधे से एक मिनट ही बेक करूंगी और सारे लावा केक को आप अपनी प्लेट में निकाल लें, गरम गरम ही सर्व करें। सारे केक बेक हो चुके हैं तो चलिए अब एक केक को मैं तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए सेंटर से कितनी अच्छी मेल्टेड चॉकलेट निकल रही है। केक भी प्रॉपर बेक हुआ है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी केक में जाली आई है। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है। आप इस केक को घर में जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।